हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, चार्जर वगैरह ले लिए, क्यार वगैरह तो पहले हो गए और चार्जर वगैरह ले लिए। तो आज पहले मम्मी को बोल दे, तो मम्मी आज है ना दोपहर को रोटी थोड़ा कमी पे जाएगी। मम्मी दोपहर में दो रोटी मिलना, ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ दुकान को। बाय बाय मम्मी, अपने दूध पियेंगे अभी। हाँ, बाय 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 बाय, फिर अब चलते हैं दुकान को। भैया ने तो फिलहाल बाइक बाहर ले लिए, तो अभी चलते हैं बाहर। दरवाजे को तो बंद करता हूँ। तो दरवाजा बंद तो हो चुका है, तो चलते हैं। पापा तो ऊपर चले गए, पापा है ना रोज सुबह क्यूरिंग करते रहते। अभी थोड़ा अच्छा हो गया गाइस। मिस्त्री को, ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसको बोल के पाइप लाइन डाला दिया था, क्योंकि दो दिन पहले डाला ली थी। तो देखिए, हर फ्लोर पर एक वॉल लगे सो है, दिख रहा होगा आपको, इधर भी एक वॉल, तो हर फ्लोर पे लगे थे, इधर भी एक लगे थे, अंदर गया था, इधर गया, हर फ्लोर पे है लगे थे। देखिए, पानी जिस फ्लोर पे मारना है उस फ्लोर से लिया, तेल खत्म। अभी तो अपन चलते हैं दुकान को। चलो, आज जाके एकदम बराबर धूप आ रही है, अब दो दिन से बिल्कुल धूप ही नहीं थी गाइस। दुकान पे चलते हैं और वही साफ वगैरह करेंगे, और मैं तो फिलहाल अपना वीडियो एडिटिंग करूँगा दुकान पे जाके। थोड़ा बहुत सामान रखा दिया, तो फिलहाल अभी चलते हैं पीछे, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुका है, वीडियो को अपलोड तो कर दिया, बस थोड़ी देर में आपका आ जाएगी। तो गाइस, आज थोड़ा लेट हो गया मेरे को। एक्चुअली हमारे जो रेगुलर कस्टमर है, तो उसमें से एक अंकल आ गए थे, तो उनको थोड़ा क्वान्टिटी में सामान चाहिए, तो देते थे, बहुत ही लेट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। पापा ने ना कार को सर्विसिंग भी दे के आ गए, जो 23 तारीख को या 21 तारीख को उनको निकलना है। मैंने अभी तो पूछा ही नहीं, मेरे को डाउट था कि पापा आप 23 को निकल रहे हो या 21 को निकल रहे हो, हमने पूछा ही नहीं। तो एक बार आज पूछेंगे लेंगे, या 23 को निकल रहे हैं या 21 को निकल रहे हैं, तो अपन पर फिर एडजस्ट कर लेंगे, दुकान में ऐसा देखना पड़ता है ना। तो फिलहाल पूछते हैं, पापा ने ऑलरेडी कार तो सर्विसिंग दे दी, और पापा आज सोच रहे थे आज किधर मार्केट पे जाना है, बोलकर सोच रहे थे, तो पता नहीं जा भी सकते। सुबह सुबह तो एकदम कड़क धूप गिर रही थी, अभी देखे तो बादल पूरे एकदम छा गए। 23 ओके, डाउट है तो 21 है तो कि 23 है तो 23 को, ठीक है। तो गाइस, अभी जाके मुझे रेस्ट मिला है, 3 बजे गाइस टाइम है ना, 3 और 5 हो चुका है, तो अभी जाके मुझे रेस्ट मिला गया। कस्टमर कितने आ गए थे ना पूछेंगे तो, और मौसम को वैसे क्या वैसा ही है, तो भी कस्टमर साथ थे गाइस, थोड़ा बहुत थे, रेस्ट था किए थोड़ा बहुत कस्टमर। पापा तो थे नहीं, पापा बीच में चले गए थे। एक्चुअली क्या हुआ, इमरजेंसी में कॉल आया था, हमारे गांव के कोई दादी थी, बहुत पुरानी, मतलब बहुत एज हो चुकी थी दादी की, तो वो आज गुजर गए, इसलिए पापा उनके यहाँ गए थे मिलने के लिए। मम्मी तो नहीं, क्योंकि मम्मी को घर पे रहना पड़ता है, इसलिए मम्मी नहीं की, ओनली पापा जाके आ गए। पापा और बड़े पापा गए थे, तो जाके अभी थोड़ी देर में आए भी जाएंगे, कभी की चले गए। हम जब मैं और भैया कस्टमर्स में थे ना, 2 o'clock से पहले चले गए थे पापा, और अभी तो 3 o'clock होने आ गए, तो पता नहीं अभी कब आएंगे। मुझे पता नहीं, हमारे लिए लंच रखे गए थे मेरे और भैया के लिए, तो भैया ने तो लंच कर लिया, बस मुझे करना है, जो कि मेरा भी हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, तो फटाफट अभी लंच कर लेंगे और बैठे रहेंगे थोड़ी देर। अभी जाके एकदम रेस्ट मिला है। वैसे पूछो मत, कस्टमर्स आते रहते आते, जब ऐसे आते पूछो मत, आंधी आई जैसे आ जाते। बस जो पेंट का सामान ऑर्डर किया था वो आ गया, हाँ इसके ऊपर। ओहो, हैवी ड्राइवर निकले भाई, बेटे मौज कर दी, वाह। तो फिलहाल अभी क्या करें, नाम थोड़ा हटने दिखे थे, दिखा घुमा उन्हें थोड़े वेरे, कस्टमर ने नहीं दिखना, कस्टमर ने दिखना थोड़े वेरे अपने। हाँ बराबर, वो ग्रीन कलर बकेट निकालो, हेलो लारा, तो गाइस सामान थोड़ा बहुत जमा लिए, बाकी बस अब थोड़ा बहुत ही बचे हैं, तो उनको फटाफट जमा लेते हैं। फाइनली जो भी सामान आया था उन सबको तो जमा लिया। अभी फ्रेंड की हाइट थी, उनकी दुकान हाइट इतनी थी, अभी उसकी हाइट
क्या पेंट वगैरह सब जगह जमा लिए, कार्टून वगैरह भी अभी पीछे रख रहे, बाकी जो भी जमाना आया था सभी को जमा लिए। और आपको दिख रहा भी होगा कितना स्वेट आ गया है गाइस। तो फिलहाल फेस वॉश करता हूँ और थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। शाम के है ना 6:40 हो चुका है और दिए वगैरह हमने जला लिए, तो थोड़े बहुत दिए हमने पीछे रखवा दिए और थोड़े बहुत दिए इधर लगा लिए और जो दिए बचे जो कि ये शटर के कॉर्नर पर लगा देता हूँ। भगवान जी के मंदिर में गए थे। ढोलिया आपने ही गिराया है वो तेल, कोई गिर गया तो आपका नाम ही आएगा, याद रखना। भी बैठे रहेंगे, कस्टमर बिल्कुल भी है नहीं। शाम के टाइम पे बारिश जो गिर गया था इधर गाइस, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जा रहा है, इसको थोड़ा साफ कराना पड़ेगा। कल सुबह करने का प्लान है तो करेंगे। तो बस अभी टाइम होने ही वाला है, शाम का टाइम नहीं रात का टाइम, तो रात घर पर जाते ही है हमारी फेवरेट सब्जी, फेवरेट बोलता हूँ सर्दियों की फेवरेट सब्जी जो कि हल्दी की सब्जी, घर पे जाके दिखा दो। तो अब सीधा गाइस चलते हैं घर पे। तो गाइस फिलहाल भैया सामान रख दिए, जस्ट शटर को ताला दे रहा है, फिर चलते हैं घर पे। वगैरह तो पहुँच गए गाइस, फिलहाल अभी करते हैं डाइन। जब मम्मी ना टली घी से बने से रहता है ना, इसलिए ना इसको थाली के ऊपर नहीं डालते, डायरेक्ट रोटी के ऊपर डालते ताकि थाली खड़ लेना, बोलते तो थाली पूरा फिर घी में हो जाता है, साफ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहले नीचे रोटी रखते हैं उसके ऊपर सब्जी डालते। देखो भैया का भी आ गया, हमारा भी आ गया, मम्मी पापा ने तो फिलहाल खा लिया था, वो तो गिफ्ट आया से था, उसको ओपन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और मैं और भैया भी डाइन करते हैं, तो बस दो तीन रोटी खाएंगे, ये ज़्यादा है ना बात ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही खा पाते इसको, तो गर्मी की चीज़ रहती है, फिर अगले दिन पिंपल्स आने लग जाएंगे। तो फिलहाल अभी करते डाइन, उसके बाद में बता दो इसका टेस्ट है कैसे, एकदम ऑसम। आओ किंडर जॉय तो सब लोग खाएंगे, बचपन में 10-10 खा चुके हैं किंडर जॉय। फिलहाल मैं लेता हूँ अभी एक बाइट, टेस्ट करता हूँ, हर बार की जैसा बनाए कुछ अलग बनाए। हाँ बस सेम टू सेम बनाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है, थोड़ा थोड़ा डाइन करते गए। भैया को तो चांदी का छिक्का गिफ्ट में दिया जा रहा है जो कि अभी आपको दिख रहा होगा। अच्छा है ना भाई चांदी का छिक्का, अच्छा है, ठीक है गिफ्ट में रख लो। ओके ये देखिए गिफ्ट में, ये देखिए हुक्का मिला है ये, और ये चॉकलेट कैसे निकाली इसके अंदर से, वही वैसा कैसा गिफ्ट दिया पागल कई का, गिफ्ट देना और पागल। तो फिलहाल अभी इसको खोलते, पता नहीं समझ में नहीं आता, चलो एक बार देखेंगे। ऐसे ये भी एक गिफ्ट के तौर पर है तो इसको भी खाते हैं। मम्मी पापा ने तो खोल भी लिए, वो देखिए पूरे वो टोकरी में आया था जो कि ये भी था, तो इसको तो मैं खाता हूँ चॉकलेट का। मम्मी को थोड़ा गर्म पानी पकड़ा दिया है ना, और क्योंकि है ना जो हल्दी की सब्जी खाए ना वो कल फिर गले में बैठ जाएगा, इसलिए थोड़ा गर्म पानी पी रहे ताकि चिपके ना। तो और लेके आता थोड़ा गर्म पानी, भैया तो पी के सो भी गए। बोलो तो सारे वैरायटी के चॉकलेट वगैरह जो भी थे ना सब अंदर डाल के आए थे जो कि बहुत ही अच्छा था। तो फिलहाल तो अभी सो जाते हैं, कल सुबह वापस जल्दी भी उठना है दुकान को जाने के लिए, तो फिलहाल भी सो देगा। ऐसे आपको आप ब्लॉग पसंद होगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।